पंजाब सरकार एक तरफ जहां गरीबों के भले की बातें कर रही है, वहीं इन गरीब लोगों के ऊपर बिजली महंगी करके और आर्थिक बोझ डाल रही है। यह कहना है पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का। दरअसल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जालंधर में कांग्रेसी नेता तेजेंद्र सिंह बिट्टू की माता नरेंद्र की शोक सभा में भाग लेने आए थे, जहाँ मजीठिया ने और भी कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। इस भोग पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज, पंजाब के उद्योग मंत्री, खेल मंत्री और विधायक सुखपाल खैरा सहित कई और नेता भी पहुंचे। देखो, सरकार नु पिछले मीह कारण झाड़ भी कटिया, किसानों का नुकसान भी होया, डीजल दे रेट भी नहीं है घटा रहे, उत्तों किसानी का जिहड़ा वड्डा झाड़ कटन का कारण बनिया। उत्तों देखो, असी भी इनवायरमेंटली सारे चिंतित हाँ, मगर किसानी नू कला पराली जलाउण वास्ते उन्हां नाल सख्ती करना, मैं समझदा ये प्रो फ्रेंडली रिफॉर्म नहीं है। किसान नू इनसेंटिव दिओ कि हर किले पिछे थानू 3000 रुपया दोगे, हर एकड़ पिछे तुसी पराली ना जगाओ, इनसेंटिवाइज करो, डोंट पनिश द फार्मर, एंड उन्हों जिथे उन्हों इनसेंटिवाइव करो। आपे किसान इस औखी घड़ी चो निकल के आऊगा, तो जिहड़ा झाड़ घट आया मीह कणी कारण, हले तो पिछले साल का मुआवजा नहीं इन्होंने दिता। मैं तो डिमांड करदा कि इमीजिएटली 200 रुपये वाधा करके क्विंटल का किसानों की बांह फड़न, क्योंकि किसानी डिस्ट्रेस च है। आज तेजेंद्र बिट्टू जी जो कि हमारी पार्टी के एक स्तंभ हैं, उनकी मदर का जो दुखद देहांत हुआ, उनकी प्रेयर मीटिंग में हिस्सा लेने हम लोग सब आए थे। हम वाहेगुरु से, भगवती से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनकी माता की शांति मिले, परिवार जो है इनको शांति मिले, और पूरा कांग्रेस का परिवार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस मौके पे, इस दुख की घड़ी में बिट्टू जी के साथ है। राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का शोक संदेश लेकर के मैं यहाँ आई हूँ, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि शांति मिले।